वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, दैट डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लेड यू टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड ऑल अदर एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी एक दो दिन से वीडियो को रेगुलर पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू माई रेगुलर क्लासेस, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करा दूं विद रेलिवेंट मटेरियल्स। ठीक है, रेलिवेंट मटेरियल्स के साथ, रेलिवेंट टॉपिक के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माई न्यूज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज विच आई हैव टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट ही एक्सरसाइज है। दिस वॉज द मेडन एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरिटाइम एक्सरसाइज विच हेल्ड फ्रॉम 26th of March टू 30th of March को ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, इसमें दो फेज में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। यहाँ पर एक वर्ड है, दैट इज सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब लिख लीजिए, एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें एक्सपर्ट का डिस्कशन होता है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में अगर आप बोले तो मीटिंग एट विच एक्सपर्ट हैव डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बीच में एक्सपर्ट का जो डिस्कशन होता है वो होता है इसमें। ठीक है, सो एक्सरसाइज को दो फेज में कंडक्ट कराया गया। यू कैन सी द स्पोक पर्सन ट्विटर अकाउंट, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड और को ऑर्गेनाइज बाय इंडिया और फ्रांस। ठीक है, इसको को ऑर्गेनाइज कराया गया किसके द्वारा, इंडिया और फ्रांस के द्वारा, जिसको कंक्लूड किया गया गोवा में। ठीक है, गोवा में इसको कंक्लूड किया गया आज के दिन। ठीक है, मतलब कि कल के दिन, आज हमें 1st of April है, कल के दिन 31st of March को इसको कंक्लूड किया गया। ओके, और ये एक्सरसाइज टू फेज में हुई थी, 26th से 30th के बीच में एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। टू फेज लिख लीजिए कौन कौन से फेज है। पहला हार्बर फेज, ठीक है, पहला हो गया हार्बर फेज और दूसरा हो गया क्या, सी फेज। ठीक है, पहला हार्बर फेज, दूसरा हो गया सी फेज, लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये दिस वाज द फर्स्ट एडिशन जिसमें 15 से भी ज्यादा मेंबर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया विद द प्रॉपर गाइडलाइंस एंड प्रॉपर रूल्स के साथ। ओके, नाउ मैं आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा सकता हूं और इसी के साथ मैं आपको इसकी वर्डिंग्स भी पढ़ा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। ठीक है, दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट गोवा, गोवा और अरेबियन सी में इसको कंडक्ट कराया गया फ्रॉम 26th of March to 30th of March 2022। इसका मेन पर्पस क्या था, मेन एम्स क्या था, टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना। ठीक है, इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, डिजास्टर रिलीफ से देखना। ठीक है, और कुछ इस टाइप के जो मेंबर्स के जो नेवीज में जो कुछ टाइप के जो मेंबर्स हैं वो सारे इस ऑपरेशंस को भी हैंडल करते हैं, जिसको बोलते हैं हेडर। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। द एक्सरसाइज विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ 16 out of 25 मेंबर नेशन ऑफ IONS। ठीक है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के 25 मेंबर नेशन है जिसमें से 16 मेंबर नेशन ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। मैं आपको उनके नाम भी बता दूंगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस एक्सरसाइज को एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में। ठीक है, 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था फॉर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशंस अमंग नेवीज ऑफ लिटरल स्टेट इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में किसके साथ मिलकर, अमंग लिटरल स्टेट्स के साथ मिलकर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज को 2007 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला फेज था 26 और 27 मार्च को हुआ था। ठीक है, सॉरी, पहला फेज था 26 और 27 मार्च को। ये कहां पर था, मार्मू गांव पोर्ट के पास हुआ, जो कि गोवा में था ये। ठीक है, पहला फेज था जिसको हार्बर फेज भी कहा जाता है, जैसा कि यार मैंने बताया हार्बर फेज। ठीक है, ये मार्मू गांव पोर्ट जिसको गोवा में है वहां पर ये हुआ। नेक्स्ट फेज जो हुआ 28 टू 30 मार्च को हुआ, ये कहां पर हुआ, अरेबियन सी में हुआ। ओके, मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ नेशंस के मैं आपको नाम बताता हूं, नेवीज ऑफ बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, ईरान, 22 अदर ऑब्जर्वर फ्रॉम 15 आईओएनएस मेंबर्स नेवीज, नेमली ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक्यू, ओमान, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यूके आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं और कुछ कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इनके एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स यहां पर पार्टिसिपेट किए इन दिस एक्सरसाइज। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्योंकि ये पहली एडिशन थी एक्सरसाइज की, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, बहुत सारे आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या था, क्या एम्स था इस एक्सरसाइज का, टू एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अमंग द मेंबर्स नेवीज। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मेडन एडिशन आपको मैंने बता दिया।
सिंपोजियम का मतलब बता दिया कब से कब तक हुआ है और कितने फेज में एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट वर्चुअल समिट ऑफ बिम्स्टेक ऑन मार्च 30th ऑफ मार्च को एक बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग अटेंड की है और दिस वॉज द 5th मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनकी पहले 5वीं मीटिंग थी ये, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि बिम्स्टेक के फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। पहली बात, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस कंट्री ने इसको हॉस्ट किया है, श्रीलंका ने इसको हॉस्ट किया, ठीक है, इट इज हॉस्टेड बाय श्रीलंका, इसको श्रीलंका ने हॉस्ट किया है। और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका को छोड़कर बाकी जो और कंट्रीज, उनके नाम लिख लीजिए, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, दे ऑल्सो कैम टू टेक पार्ट इन दिस समिट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस समिट को अरेंज कराया गया श्रीलंका के द्वारा। नाउ इनका मेन फोकस क्या था, एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट, ठीक है, किसके तरफ था, इकोनॉमिक एंगेजमेंट को एक्सपैंड करना अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज थे उनके बीच में जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उनको क्या करना है, एक्सपैंड करना, बढ़ाना, ठीक है, इस ग्रुप का मेन मकसद था। नाउ इसके मैं आपको थीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और कुछ की पॉइंट्स समिट के वो बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। थीम क्या थी इस समिट की, टुवर्ड्स अ रीसाइलेंट रीजन, ठीक है, रीसाइलेंट रीजन की तरफ, जैसे रीसाइलेंट का क्या मतलब हो गया, फ्लेक्सिबल रीजन की तरफ, फॉस्फोरस इकोनॉमीज की तरफ, फॉस्फोरस का मतलब आप सबको पता है रिच एंड सक्सेसफुल इकोनॉमीज की तरफ और हेल्दी पीपल, ठीक है, एक सक्सेसफुल, एक आपको बता दूं फ्लेक्सिबल रीजन में एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक के साथ हेल्दी पीपल्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो थीम का ये समिट था, समिट का ये थीम क्या था, टुवर्ड्स अ रीसाइलेंट रीजन, प्रॉस्परस फॉस्फोरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। ओके, नाउ मैं इसके की पॉइंट्स बताता हूँ। ड्यूरिंग द समिट, समिट के दौरान क्या हुआ, लीडर्स ने साइन किया 3 बिम्स्टेक एग्रीमेंट, ठीक है, 3 बिम्स्टेक एग्रीमेंट साइन किया, ये लिख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, बिम्स्टेक कॉन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल मैटर में क्या करेंगे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्या था, बिम्स्टेक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमैटिक ट्रेनिंग, ठीक है, जब डिप्लोमैटिक ट्रेनिंग की बात आएगी तो इसमें क्या होगा, म्यूचुअल कॉपरेशन होगा, ठीक है, ये MOU करके साइन किया गया है कि म्यूचुअल कॉपरेशन दिखाया जाएगा इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, ठीक है। तीसरा क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज, ठीक है, ये क्या होगा, एक मेंबर ऑफ एसोसिएशन होगा किसके ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज के ऊपर। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि अडॉप्शन एंड साइनिंग ऑफ बिम्स्टेक चार्टर व्हिच वुड लीड टू पुटिंग इन अ place a set of rules, a framework and long-term goals. This will help to streamline operations of BIMSTEC. ठीक है, so बहुत सारी ये important point थी। Prime Minister of India Narendra Modi announced that India will provide $1 million to BIMSTEC Secretariat to increase its operational budget. ठीक है, Prime Minister Narendra Modi जी ने announce किया यहाँ पर कि they will be going to provide $1 million to BIMSTEC Secretariat to increase the operational budget. Operational budget को increase करने के लिए ये $1 million provide कराएंगे। ठीक है, so this was very important. आपको ये भी पता कि क्या है, adoption of master plan for transport connectivity, transport connectivity के लिए master plan का ये adoption करेंगे। Okay, so this was very important which you should understand this summit, that BIMSTEC summit जो held कराई गई 30th of March के March को ये कराई गई थी and which country ने इसको host किया, श्रीलंका ने इसको host किया। Okay, now move on to the next important news that cabinet ने approve किया है $808 million for the scheme to improve MSME performance. MSME क्या होता है, micro small and medium enterprises की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए $808 million को अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। अगर $808 million को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 6025 के आसपास करोड़ के आसपास ये होता है अमाउंट, ठीक है, 6025 करोड़ के आसपास ये अमाउंट हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या है, एक रैप है, रैम्प करके एक है जो कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट स्कीम है। ओके, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए आप यहां पर देखते 6062 करोड़ है, ठीक है,
ये टोटल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। द यूनियन कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड यूएसडी 808 मिलियन फॉर न्यू वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट स्कीम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस ऑन वेनेसडे। ठीक है, 6,662 करोड़ का एक असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा किसके लिए, एक्सेलरेशन देने के लिए। ठीक है, एमएसएमई की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि दिस न्यू स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस ऑन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023। ठीक है, 2022 और 2023 में इसको कमेंस किया गया था, और जिसमें आपको बता दूं कि जो ये टोटल अमाउंट है 6,062 करोड़, इसमें से 3,750 करोड़ कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा एज अ लोन के तौर पे। ठीक है, 3,750 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगा एज अ लोन के तौर पे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है 2,312 करोड़ दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कौन फंड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके ऊपर जिसमें बात किया गया है, इनका मेन मकसद मेन पर्पस क्या है कि जो मार्केट है एंड क्रेडिट है इसको इंप्रूव करना। ठीक है, मेन फोकस इनका क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस है उसको स्ट्रेंथन करना, गवर्नमेंट्स है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस है उनको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, स्टेट सेंटर स्टेट लिंकेज और पार्टनरशिप को इंप्रूव करना, बढ़ाना, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ डिले पेमेंट्स। ठीक है, जो भी डिले पेमेंट की जो इश्यूज आती है उसको क्या करना, इंप्रूव करना, एज वेल एज ग्रीनिंग एमएसएमईज। ठीक है, ग्रीनरीज फैलाना। द प्रोग्राम हैज आइडेंटिफाइड टू एरियाज। ठीक है, दो एरियाज को प्रोग्राम ने आइडेंटिफाइड किया है। पहला कौन सा, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स ऑफ एमएसएमई प्रोग्राम्स। ठीक है, पहला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। अब क्या करेंगे वो, एमएसएमई प्रोग्राम्स के जो इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स है, गवर्नेंस है, उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, सपोर्ट टू मार्केट एक्सेस फर्म्स कैपेबिलिटीज एंड एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक है, किसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, मार्केट एक्सेस को, फर्म्स कैपेबिलिटीज को, और दे विल गिव एक्सेस टू फाइनेंस ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस मीटिंग, दिस ये मीटिंग ये जो हुई है बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये देना जरूरी था कैबिनेट की तरफ से, जो अप्रूव किया गया 808 मिलियन का, बहुत ही एक हेल्पफुल लोन दिया गया फॉर द इंप्रूवमेंट इन एमएसएमई सेक्टर। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं आज, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 31st ऑफ मार्च को हमने क्या देखा, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग्स चेकिंग 2022। ठीक है, यह हमने 31st ऑफ मार्च को हमने सेलिब्रेट किया। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स आप सबको याद नहीं रहते इसलिए, और ये हमने मनाया है। ठीक है, ये 2017 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, टू एंश्योर पीपल्स आर एजुकेटेड ऑन ड्रग्स एंड अवेयर ऑफ देयर इफेक्ट। ठीक है, ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि पीपल्स के बारे में अवेयर हो सके कि व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, व्हाट आर देयर इफेक्ट। ठीक है, अगर आप वो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, अगर वो डोपिंग करते हैं तो उनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए कि हाँ ड्रग्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एक्चुअली फायदा तो कुछ है नहीं भाई, नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, अगर आप ड्रग्स एडिक्टेड हैं तो आप बहुत ही बड़ा क्राइम कर रहे हैं। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि ड्रग्स आपको लेना नहीं चाहिए। ठीक है, द डे एम्स टू प्रमोट हार्म रिडक्शन इनिशिएटिव्स ऑफ ड्रग्स एंड रिड्यूस ड्रग्स रिलेटेड रिस्क। ठीक है, क्या करते हैं ये, इसका मेन मकसद क्या है कि प्रमोट करेंगे हार्म रिडक्शन इनिशिएटिव्स को, ड्रग्स के जो हार्म रिडक्शन इनिशिएटिव्स है उसको प्रमोट करेंगे, और ड्रग्स रिलेटेड जो रिस्क है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करते हैं। ओके, सो देयर गोल ऑन 31st ऑफ मार्च इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स चेकिंग सिक्योरिटी सर्विस कंपनीज फ्रॉम अक्रॉस द प्लैनेट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में एक्चुअली लोगों को ड्रग्स लेना ही चाहिए। ठीक है, ड्रग्स की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ड्रग्स से अगर आप एडिक्टेड हैं तो आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज आपको होंगे। ओके, सो मेरा मकसद यही था कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम क्यों ड्रग्स, हम लोग इस 31st ऑफ मार्च को ड्रग्स चेकिंग डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और वी इंटरनेशनली। ओके, सो 2017 के बाद हम एवरी ईयर 31st ऑफ मार्च को ये सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन वॉज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर। ठीक है, कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 इन न्यू दिल्ली। ठीक है,
इस साल इसको कैंपेन को लॉन्च किया गया, ठीक है, 2022 का जो कैंपेन है इस साल इसको लॉन्च किया गया है बाय आर ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज रामनाथ कोविंद, जिन्हें इनको लॉन्च किया है उसी टाइम पे जब ये क्या कर रहे थे, नेशनल वाटर अवार्ड को दे रहे थे, ठीक है, इट वॉज द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जब दे रहे थे उसी टाइम पे जल शक्ति अभियान का, ये 2022 का अभी इसको लॉन्च कर दिया। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 लॉन्च जल शक्ति अभियान, ठीक है, 2019 में एक और चीज लॉन्च हुई थी, दो इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च हुई थी, आप लिख लीजिए, जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन, ठीक है, इन द सेम ईयर इट वाज आल्सो लॉन्चेस, जल शक्ति अभियान को उसी साल 2019 में लॉन्च किया गया था और 2019 में जल जीवन मिशन को भी लॉन्च किया गया था। ऑन 22nd ऑफ मार्च इन 2021 ऑन वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, 22 ऑफ मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन वॉज लॉन्च टू अवर सिटीजन टू कंजर्व वाटर, ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, हम लोग इसको एक लॉन्च किए थे, जल शक्ति अभियान को लॉन्च किए थे, कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च किया गया था ताकि सिटीजन्स को अर्ज किया जाए कि वाटर को कंजर्व करके रखा जाए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सारिक्षा टाइगर रिजर्व, ठीक है, सरीक्षा टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी केरला। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राजस्थान में ये है, ठीक है, और अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसमें मैसिव फायर हमें देखने को मिला, ठीक है, सारिक्षा टाइगर रिजर्व में मैसिव फायर देखने को मिला, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, आप अगर जानते हैं, अगर कोई राजस्थान से है तो आप सबने सुना होगा कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये सरीक्षा टाइगर रिजर्व है, जिसमें आज के डेट में अगर मैं बता दूं तो एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी जिसमें 27 टाइगर्स अभी रिसेंटली प्रेजेंट है इसमें। ओके, और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहां पर अभी मैसिव फायर हमें देखने को मिला था। ओके, और ये इसमें बहुत सारी टीम आई थी, लगभग बहुत ज्यादा एरिया में ये आग फैल गया था, तो कुछ लगभग 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इससे अफेक्टेड भी हुआ, ठीक है, जो अकबरपुर रेंज है ये ज़्यादा हाईली अफेक्टेड था, ठीक है, और ये अभी तक जो कॉज ऑफ फायर है, मतलब कि जो फायर का जो रीज़न है, इट वाज एज सर्टेन, ठीक है, मतलब अभी बताया नहीं गया, अनडिटरमाइंड, कोई भी रीज़न अभी दिया नहीं गया है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राजस्थान में ये है सरीक्षा टाइगर रिजर्व, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राजस्थान में है ये, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट एंड यूटी। ओके, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आपने सपने सुना है कि इट इज द लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट वॉल है, लेकिन सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल भी है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, ठीक है, पहले ऑप्शन बता देता हूं, ए वेस्ट बंगाल, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र एंड डी गुजरात। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राजस्थान में ये कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ आप सबने सुना होगा, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन सबने सुना होगा, कुंभलगढ़ को ही बोला जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, एक टाइप का ये क्या है, फोर्ट है ऑन द रेंज ऑफ अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के जो रेंज है उसके ऊपर एक टाइप का ये फोर्ट है, ये कहां पर है, राजस्थान के, आपको राजस्थान स्टेट में, आपको उदयपुर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है, ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। अब राजस्थान की फॉर्मेशन कब हुई थी, 30th ऑफ मार्च, ठीक है, थर्टीथ ऑफ मार्च में राजस्थान की फॉर्मेशन हुई थी, जिसमें हमने 30th ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान दिवस। ऑन 30th मार्च 1949 द प्रिंसली स्टेट ऑफ जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर मर्ज टू फॉर्म द ग्रेटर राजस्थान यूनियन, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट तो पहले थी, जोधपुर अलग थी, जयपुर अलग थी, जैसलमेर अलग थी, बीकानेर अलग थी, तो इन सबने क्या किया, 30 मार्च 1949 को इन सबने क्या किया, मर्ज होने का फैसला किया ग्रेटर राजस्थान यूनियन में, बाद में जाकर राजस्थान एक हो गया, ठीक है। सो 2022 marks 73 year ऑफ राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस का 73 years हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 में। ओके, सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ग्रेट वॉल कहां पर है, हमारे इंडिया में ही है, इंडिया में कहां है, राजस्थान में अरावली हिल्स के रेंज के पास। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।